हेलो जी, नमस्कार। मेरी आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको एक, देखो, अनमोल पौधा है, देखो ये पत्थर चटका पौधा है, इसके बारे में मैं बता रही हूँ कि कैसे इसको लगाते हैं और इसके क्या फायदे हैं और ये कैसे लगता है और कब लगता है। तो मैं इसके बारे में आपको मैं बताऊं। और ये एक बहुत ही आयुर्वेदिक पौधा है। तो ये देखो, ये मैंने ना गमला भर लिया है मिट्टी का, इसमें रेत और लाल मिट्टी, देखो लाल मिट्टी का गमला मैंने भर लिया है इसमें। और आप चाहे तो ये पत्थर चटके पौधा देखो कितना बहुत ही अच्छा है। ये देखो बहुत सुंदर, एक तो सुंदरता को बढ़ाता है पौधा और ये बहुत सी बीमारियों को, बहुत सी बीमारियों के काम आता है। वैसे तो ये जैसा नाम है इसका पत्थर चट्ट, वैसे ही पथरी के लिए तो ये बहुत ही कारगर पौधा है। और देखो इसमें लाल लाल फूल, ये देखो कितने सुंदर फूल लगते हैं इसमें। ये देखो फूल, लाल लाल फूल, सुंदर फूल, बहुत ही प्यारे फूल भी। और अब मैं इसको जो आपको बताऊं कि ये कैसे ग्रो होता है और बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। तो ये देखो, ये मैंने यहां से, या आपको कहीं भी ऐसा पत्ता मिल जाए पत्थर चटका तो आपने घर में ले आना बस, और इससे बड़ी आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये ऐसे पत्ता लिया, ये देखो ये पत्ता जैसे, ये देखो, और इस पत्ते को आपने मिट्टी में डुबो दिया, ये देखो, ये देखो ऐसे और ऐसे, ये देखो मिट्टी में डुबो दिया। और अब आप देखेंगे, और थोड़ा सा इसमें जल डाल दिया, ये देखो मैं जल डालती हूँ इसमें, ये देखो इसमें थोड़ा सा जल डाल दिया। और ऐसा है कि जल, इसमें ज्यादा मात्रा में जल की जरूरत नहीं होती, दो तीन दिन के बाद अगर इससे हम जल डाल दें तो बस हो जाता है। और अब आपने देखा कि ये 15 दिन बाद इसमें इसी पत्ते से अपने आप ये पौधा बन जाएगा, ग्रो कर लेगा। ये देखो बस, और इसका कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, ये देखो पत्ते से ये पौधा लग जाता है। और अब देखो मैं आपको अब 15 दिन बाद बताऊंगी कि 15 दिन बाद कैसा ये पौधा एकदम तैयार हो जाएगा। ये देखो अब 15 दिन बाद इसको, जो मैंने लगाए थे ना, ये देखो जो पत्थर चट्ट का पौधा, ये देखो जो पत्ता लगाया था मैंने 15 दिन बाद, ये देखो इसमें पत्ता से ये अंकुर आ गया है। एक थोड़ा सा ये हेल्दी पौधा बन गया और एक थोड़ा कमजोर है। तो ये देखो ऐसे इतने जल्दी ये ग्रो हो जाता है, ठीक 15 दिन बाद ऐसा हो जाता है। तो ये देखो इस पत्ते से ही, अब चाहे आप इसको कहीं और दूसरे गमले में ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये देखो ये पत्ता भी निकाल सकते हैं इसको, पत्ते को, ये देखो ऐसे ये पत्थर चट का पौधा बहुत ही आसानी से लग जाता है। और मैं तो बोलती हूँ कि सभी को अपने घरों में जरूर लगाना चाहिए। एक तो ये शो बढ़ाता है घर की और सजावटी पौधा बन जाता है, और दूसरा ये देखो 15 दिन बाद अब इतना अच्छे इसमें वो बन गया, ये देखो। तो ये देखा अब आपने पत्थर चट का पौधा, ये बहुत सी बीमारियों के लिए, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो, शुगर की बीमारी हो, और उसके काम भी आता है। और जैसा किसी का पेट बढ़ता है, चर्बी वगैरह बढ़ जाए तो उसके काम भी आता है। और ये थोड़ा सा खट्टा और नमकीन होता है पौधा, इसका पत्ता अगर खाए तो ये नमकीन, और देखो कितने अच्छे इसके देखो पत्ते, देखो ये देखो सवेरे सुबह उठते ही इसको हमारे को शिव गर्म पानी के साथ खाना चाहिए, तो बहुत सी बीमारियों के लिए ये काम आता है। और पथरी के लिए तो ये है कारगर एक इलाज, मगर ये कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर,
ब्लड प्रेशर के काम आता है, थोड़ा खट्टा और थोड़ा नमकीन होता है। देखो बहुत ही प्यारा पौधा है देखो, और अपने आप ही ग्रो हो जाता है, और इसको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। अगर आप चाहे तो इसको यहाँ से काट दे अगर टहनी, तो ऐसे भी लग जाता है, पत्ते से ही नहीं ऐसे भी लग जाता है, बस आगे से आगे अपने आप फैलता रहता है। ये देखो, और हम घर में सजावटी के काम भी आ जाता है और आयुर्वेदिक दवाई के काम भी आ जाता है। ये देखो कितना बहुत एक आयुर्वेदिक पौधा है और शो वाला पौधा भी है, और बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर लाल फूल लगते हैं, ये देखो झुमके में है ना, बहुत सुंदर लाल फूल, अब पक गए ना फूल, पहले लाल फूल देखो। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही, तो फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, और तब तक लिए अपना ध्यान रखना और इस पौधे को जरूर अपने घर में लगाना। ये एक आयुर्वेदिक पौधा भी है और ये सजावट के काम भी आता है, और बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, और ज्यादा इसको पानी की भी आवश्यकता नहीं है, और ये बहुत ही आसानी से उग जाता है। और सवेरे इसको इसका पत्ता जरूर खाना चाहिए, बहुत सी बीमारियां इससे दूर हो जाती है। तो अपना ध्यान रखना इस कोरोना के वक्त में, और फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय किसान, जय भारत, जय हिमाचल।